हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग PGT की परीक्षा में ब्राह्मण समुदाय और उनकी लड़कियों के बारे में पूछे गए सवाल से बिफरे ब्राह्मण समाज ने बुधवार को जींद में कुछ देर के लिए रोड जाम करने के बाद कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन भारती भूषण को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जींद में सड़कों पर उतरे ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कहा कि एक परीक्षा में किसी भी समुदाय के प्रति शगुन और अपशगुन पूछना उचित नहीं है। ब्राह्मण समाज ने कहा कि जो भी ब्राह्मण समाज के मंत्री विधायक सांसद अगर उनके समर्थन में नहीं आए तो उन सब का भी बहिष्कार किया जाएगा। जींद में सभी ब्राह्मण समाज के संगठन एक मीटिंग करेंगे और अगर खट्टर सरकार ने जल्दी बोर्ड के चेयरमैन और पेपर सेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो दो ब्राह्मण समाज आत्मदाह करने पर भी नहीं झुकेगा। जींद से ऋषि मेहंदीरत्ता, आज़ाद TV न्यूज़। बोर्ड के चेयरमैन और पेपर सेटर को बर्खास्त करने की और उन पर मुकदमा चलाने की बात की गई और अगर सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय लिया तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो बहुत बड़ा हरियाणा की सारी सभाएं एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी चीन में। किस तरह का आंदोलन? ठीक है जी, ठीक है। सड़कों पर उतर के आंदोलन किया जाएगा। उनकी मदद नहीं ले रहे वो, अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो उनका समाज बहिष्कार करेगा भविष्य में। इसमें ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी अनदेखी की गई, उसकी बेइज्जती की गई और हम सारा समाज इकट्ठा होकर ये कहना चाहता है कि खट्टर सरकार अगर जल्द हाउस में नहीं आएगी तो हम सभी सड़कों पर उतरेंगे और आत्मदाह तक करने के तैयार रहेंगे। श्री जी 15 दिन हो गए, सरकार की बहुत बड़ी भूल है। ये सरकार ब्राह्मणों के दम पर बनी थी और ब्राह्मण समाज एक होकर ये दिखा देगा कि जब जब ब्राह्मण रुष्ट हुआ है तो तब तब सरकार जाती सुबह से जाती दिखी है।